कैटेगराइज करके भेज जाए। सो नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टोरी क्या है? अच्छा, मैंने दिखानी थी ये। अब हम आ रहे हैं थोड़ा, जरा हम अपने नेबरिंग कंट्री के बाद बात कर लेना, हमारे इंडियन, मेरे इंडियन, मेरा बॉलीवुड। ओ वतन मेरा इंडिया, सनम मेरा इंडिया, इंडिया मेरा इंडिया, क्या हो गया मेरे इंडिया को। अच्छा, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन विद यू। देखिए देखिए ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। ओके, मैं वॉल्यूम ऊपर कर देती हूँ यहाँ पर। सो ये देखिए, द कश्मीर फाइल्स मूवी पर अलवर के बहरोड के रहने वाले युवक को कमेंट करना भारी पड़ गया। आक्रोशित लोगों ने उसे मंदिर में बुलाया और नाक रगड़वा कर उसे माफी मंगवाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया है। वही राजेश ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मैंने लिखा था कि जय भीम मूवी को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया। इस पर जय श्री राम और जय कृष्ण के कमेंट्स आए और कमेंट में मैंने भगवान के लिए गलत बातें लिख दी। वही राजेश ने आरोप लगाया कि उससे जबरदस्ती नाक रगड़वाई गई है। मैंने ये कहा है उसमें कि क्या पंडितों के हिसाब से अत्याचार नहीं हुआ है, और भी समाज है जिनके आज है SST OBC और जो भी वर्ग, इन सभी के साथ अत्याचार हुआ है, क्या इन्हीं लोगों के साथ हुआ है। मैंने तुरंत फैसला कि इस धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए मैंने तुरंत क्षमा प्रार्थना उसके वापिस कमेंट्स में डाल दिया और फिर दूसरे दिन भी अलग से पोस्ट डाली। लेकिन इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपना वहां पर अमेर को कहा कि इसको ये इसको भीम का बुखार चढ़ रहा है, ये जय भीम का वो दीवाना है। राजेश ने कहा कि वो समाज के लोगों के साथ मिलकर भिवाड़ी SP से कार्रवाई की मांग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यानी खासकर। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो, लास्ट टाइम हमने बात की थी कश्मीर फाइल्स पे, जो मूवी आई है, और मैंने वो मूवी देख ली है। आई सॉ दैट मूवी, उसका रिव्यू मैं करूंगी। और आज नीचे आसिफ बैठ के कह रहा था, हारिस की स्ट्रीम पे बैठा हुआ था वो, हमारे आसिफ भाई जो आते हैं यहाँ पर, तो हारिस कश्मीर फाइल्स पे कर रहा था। अब देखो, हारिस, गालिब, वी आर ऑल फ्रेंड्स, बट इट डजंट मीन कि हम लोग हर चीज पे अग्री करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मैं अग्री नहीं करती हूँ उनके साथ, या वो मुझसे अग्री नहीं करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे दुश्मनी कर लूंगी। हम सब लोगों के पास दिमाग है, और जितने लोगों के पास दिमाग है वो हर चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों का दिमाग 100% मैच करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका 100% मैच करेगा, राइट? सो काफी चीजें जो वी अग्री ऑन, सम थिंग्स वी डोंट अग्री ऑन। तो मूवी का रिव्यू तो मैं अलग से करके डालूंगी यहाँ पर, बट मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने मूवी बनाई थी और मूवी बात की थी, तो लोगों को लगा था कि वो ये जो है इन लोगों के साथ सिंपथाइज कर रही है। आई स्टिल सिंपथाइज कि क्या हुआ हिंदुओं के साथ, आई स्टिल सिंपथाइज कि जो चीजें वहां हुई थी होनी नहीं चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि मुसलमानों ने पहली दफा नहीं की है ये चीजें। मुसलमानों ने जहां जहां जाकर कॉन्कर किया है, जहां जहां जाकर टेक ओवर किया है, उन्होंने ऐसे ही किया था पहले, ऐसे ही होता था। आई गेस पहले जब वॉर्स वगैरह ये होती थी, तो इसी तरह से आई गेस लोग जाते थे, कत्लो गारत करते थे, सब चीजें होती थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीजें नहीं हुई, ओके, आई टोटली अग्री, बट ये कट्टरता जो हो गई है ना, ये जो स्टार्ट हो गया है अब इंडिया में, अब मुझे नहीं पता कि ये इंडिया में पहले पार्टीशन होने से पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था। क्या बिल्कुल ही क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो हिंदुइज्म को? आई ऑलवेज थॉट बिफोर लाइक लास्ट ईयर, मैं तो हमेशा यही समझती थी कि हिंदू जो है वो बहुत टॉलरेंट है। सिर्फ ये क्रिटिसाइज कर देना सिर्फ मूवी पे और उसको फिर बंदे को ले जाके वहां पे नाक रिगड़ाना, लाइक दिस इज पेटी थिंग्स। आप फिर उसी कैटेगरी में आ गए हो जिसके अगेंस्ट आप खड़े हुए, आप खड़े हुए हैं कट्टरता के अगेंस्ट, राइट? हिंदू खड़े हुए हैं कि हम ये मुसलमानों में से कट्टरता, कट्टरपना जो वो निकाल रहे हैं। हमने भाई आप कैसे निकालो, खुद कट्टर बन के, तो फिर कोई और आएगा आपके अंदर से वो कट्टरता निकालने के लिए, क्योंकि आप भी उसी रास्ते पे चढ़ गए हो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो मिसालें दे के गए ना, इन मिसालों के पीछे बड़ी बातें होती हैं। शायद इतने एजुकेटेड नहीं थे, मगर उनके पास एक्सपीरियंस होता था। तो ये मिसाल दी गई है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, मतलब कि जब आप जिस माहौल में रहेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। तो आई डू अंडरस्टैंड कि एक कट्टरता ये यहीं से सीख रहे हैं, आई कैन टेल यू, मगर इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इन द सेम फुट पाथ्स।
उसी तरह आप जा रहे हो, विच इज ओनली गोइंग टू लीड यू टू डिजास्टर, क्योंकि आप देख लो मुसलमानों का क्या हाल हुआ हुआ है हर जगह पे, है ना। तो इसी तरह से आपका भी हाल होगा अगर आपने अपनी ये जो एक लाइन जो पकड़ी हुई है ना, अगर इस लाइन से आप जो है हटे नहीं, कट्टरता से नहीं हटे। सो यहाँ पर लाइक का बटन है, उसको जरूर दबाना है आपने, लाइक के बटन को, ओके। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है, वो भी दबा ही लो यार, जब बटन ही दबा रहे हो तो वो भी दबा लो। और अगर वो भी दबा लिया है तो फिर वो नोटिफिकेशन का बटन पड़ा है ना, उसको भी ऑन कर लेना।